बिहार एनडीए में चल रहे नाराजगी पर मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि कुछ लोग एनडीए में जो अति पिछड़ा के आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर हमसे नाराज चल रहे हैं। मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अति पिछड़ा के आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग पर एनडीए के अंदर समस्या बढ़ गई है। एनडीए के सहयोगी दल होने के नाते मुकेश सहनी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने इस बात को रखा है। एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी की नाराजगी को मुकेश सहनी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बस अपनी बात को मुख्यमंत्री के सामने रखा था। कुछ लोग हैं जो अति पिछड़ों के आरक्षण पर नाराज हैं। जब सवाल पूछा गया कि क्या वो लोग जेडीयू या बीजेपी के हैं, तो उसमें मुकेश सहनी ने कहा कि जब टॉप लीडरशिप इस पर डिसीजन लेगी तो हमें स्वीकार होगा। बिहार में चार पार्टी ने मिलकर सरकार बनाया या किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण 18% से बढ़ाकर 33% किया जाना चाहिए, मुकेश सहनी ने यह मांग की है। मुकेश सहनी ने बताया कि सारे हमारे विधायक हमारे साथ हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि आज हमारे 4 विधायक हैं, कल 40 विधायक होंगे। यूपी में अपनी पार्टी को स्थिति को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी पार्टी यूपी में अच्छा विस्तार कर रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। यूपी में चुनाव के बाद अगर बीजेपी और सपा को बहुमत नहीं मिलेगी तो इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी में वीआईपी पार्टी किंग मेकर बनेगी। ठीक चल रहा है, एकदम सब ठीक ठाक चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। मजबूती से एनडीए की सरकार चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपकी नाराजगी जो पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं, बयानबाजियां भी हो रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि खुश हैं आप और लगता है कि एनडीए बिखर जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जब से हमने अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़ाने का मांग हमने किया है, तब से कुछ पॉलिटिकल पार्टी में कुछ नेता में कुछ समस्या बढ़ गया है। तो उसी चीज़ को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को रखा कि जल्द से जल्द एनडीए का बैठक हो और एनडीए के घटक दल होने के नाते, एक सहयोगी दल होने के नाते हमारी भी कुछ मांग है और बिहार के जनता का हित का बात है, अति पिछड़ा समाज का हित की बात है, उसमें आरक्षण बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हमने कल बात रखा और बहुत ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। नहीं, हम अपनी बात को रखें कि शीघ्र ही एक एनडीए का बैठक रखें और बहुत सारा ऐसा बात है जो हम सब विधायक के सामने बात नहीं रख सकते। कुछ बात ऐसा होता है कि जो लीडर्स वाला बात तो लीडरशिप ही जगह पर हो सकता है ना, उसी प्लेटफॉर्म पर होगा, सब जब प्लेटफॉर्म तो होगा नहीं। तो भी हमने संक्षेप में अपनी बात को रखा और एक शीघ्र ही हमने एनडीए का बैठक हमने बुलाया है। मंत्री, मानते हैं कि अति पिछड़ा समाज को आप जो आरक्षण की बात लोग है जो 15% आरक्षण पे ये कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए एनडीए में, वो कौन लोग है ऐसे आपके साथ? कुछ लोग हैं बट उसका नाम बताना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, टॉप लीडरशिप बोलेंगे तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोग जो बोले उनको हम बहुत ज्यादा बिहार में भी नहीं ले पाते। जेडीयू बीजेपी से है? अब तो हमने कहा ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जिनको हजम नहीं हो रहा कि अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़े और उसको लेके देख रहे हैं कि बहुत इंटरनल इशू बना रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेके। तो उसके लेके हमने एक मांग रखा है कि जल्द से जल्द एनडीए का बैठक हो और एक एनडीए घटक दल होने के नाते हमारा भी सरकार में हिस्सा है। ये एक पार्टी के सहयोग से सरकार नहीं बना है, चार पार्टी के सहयोग से सरकार बना है। कोई अगर ये जी रहे हैं कि हम एक पार्टी के दम पे सरकार बना तो ये गलत है। तो इसको लेके हमने मजबूती से बात को रखा और हमारा पार्टी का मांग है कि 18% जो आरक्षण है उसमें 15% बढ़ोतरी करके 33% पिछड़ों को सम्मान मिले, पिछड़ों को आरक्षण मिले, इस बात को जब आप चाहते हैं तो ये जान रहे हैं कि हाँ कुछ लोगों में नाराजगी पैदा हो गई है। हाँ, तो ठीक है, उनको हो जाए, लेकिन हमारी पार्टी का विचारधारा, हमारी विचारधारा है गरीब लोगों को सम्मान देना। वो हमारी विचारधारा किसी और पार्टी के हिसाब से नहीं चलता, हमारी विचारधारा जो है हमारी पार्टी के हिसाब से चलता है। तो हमारी जो लड़ाई है वो हम लड़ेंगे और जीतेंगे और दिलाएंगे। आखिरी सवाल ये है, कुछ लोग ये आपके पीठ पीछे या कह सके तो खिल्ली उड़ाते हैं इस बात को लेकर कि मुकेश सहनी के विधायक उनके साथ नहीं है, ये तमाम चर्चाएं होती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो सब चीज़ें जो उसको जो बोलना है, यही तो बात है ना कि लोग बोलते हैं तो बोलते रहे। और विधायक जो होते हैं ना, पार्टी बनाते हैं, पार्टी को विधायक नहीं बनाते हैं। तो पार्टी आज 4 है, कल 40 बनाने का निर्णय ले चुला है और 2025 का विधानसभा जो चुनाव होगा उसके बाद देखिएगा 40 विधायक होंगे। एक महीने के जी हाँ, मैं अभी बलिया में कार्यक्रम है, आजमगढ़ में कार्यक्रम है, रोज 2-3 कार्यक्रम सभा लग रहा है और अभी लगातार हमारा 5 तारीख तक शेड्यूल बना हुआ है और 5 तारीख तक मैं लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा पर ही रहूँगा। एकदम अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा पार्टी वहाँ पे डेवलप कर रही है और बहुत सारे हर जाति धर्म के लोगों को पार्टी पे विश्वास हो रहा है और सब लोग जुड़ भी रहे। और 10 तारीख को इसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि एक चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा कि वीआईपी पार्टी के कितने विधायक जीत के आते हैं और कितने समर्थन प्राप्त होता है, कितना वोट बैंक होता है, वो 10 तारीख को आपको पता चलेगा। 5 तारीख के बाद आएंगे।
नहीं, सरकार में हम तो है ना, सरकार हमारी है, और हमने बोला कि किसी को आपत्ति है तो बोलिए, हम सरकार से बाहर निकल के अब रोड पे आके लड़ाई लड़ेंगे। यूपी अगर लगता है कि सरकार में रह के ये बात हम नहीं कह सकते हैं तो फिर हम रोड पे आके बात करेंगे। यूपी में अगर बीजेपी या समाजवादी को बहुमत नहीं मिले तो आप जा सकते हैं किसी के साथ? अगर किंग मेकर बनेगा उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी, और वहाँ के नेता डिसीजन लेंगे। धन्यवाद।